बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज मैं आया हूँ अपने खेतों में। ये मैंने चंद रोज़ पहले, चंद माह पहले, एक माह पहले तकरीबन मैंने इधर ये सब्जियाँ वगैरह लगाई थी। छोटा सा गार्डन बनाया था, एक ये प्लाट बनाया था, एक वो और एक ये मैं जो मेरे पीछे है, ये मैंने तीन प्लाट बनाए थे और इसमें घर के खाने के लिए सब्जी वगैरह लगाई थी और इन्हें पानी वगैरह भी मैं देता रहा हूँ काफ़ी देर। दो तीन वीडियोस मैंने इससे पहले भी इस पर बना चुका हूँ। चलें आज हम आए हैं अपनी सब्जियां देखने और आपको भी दिखाते हैं हमारी सब्जियां कहाँ तक पहुँची हैं, उन पर फल वगैरह आया है या नहीं। चलें आपको दिखाता हूँ जी। सबसे पहले दिखाते हैं ये हमारे कद्दू हैं, इन पर किसी ने पता नहीं इधर से ख़राब कर दी हैं। ये मैं इधर ऊपर चढ़ा के गया था, ये देखो माशाल्लाह इस पर भी ना कद्दू लगना शुरू हो गए हैं और भी इस पर फूल वगैरह आए हुए थे, वो मुरझा गए हैं, पता नहीं क्या वजह, गर्मी की वजह से। और इसके अंदर ये देखो पालक भी लगी हुई है, इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। और ये हमारी भिंडी है, ये देखो माशाल्लाह लगी हुई है। ये करेले हैं और इसके बीच में ही काली तोरी है। ये देखो करेले भी लगने शुरू हो गए। ये हमारा लोबिया, इस पर अभी नहीं तकरीबन लगा, फूल भी नहीं आया इस पर भी। ये भिंडियाँ चेक करें, बाकी ये हमारी पालक है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। इसमें सब्ज़ी में गंद वगैरह भी काफ़ी हुआ है तो ये भी हमने ख़त्म करना है। आज इसीलिए आए हैं कि जाते हैं टेरे पर और सफाई वगैरह करते हैं। इसमें हमने लगाई हुई हैं भिंडियाँ, लगाई हुई हैं कद्दू, लगाए हैं करेले, लगाए हैं काली तोरियाँ, लगाई हैं और उसके बाद लोबिया लगाया, पालक लगाई है और मिर्चें भी लगाई हुई हैं। उन पर अभी फूल नहीं आया, वो अभी छोटी हैं। ये देखो ये है एक मिर्च, बीच में कोई बड़े पौधे भी हैं। ये देखो माशाल्लाह इस पर फल आना शुरू हो गया। और एक और चीज़ लगाई हुई है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो भी मैं आपको अभी इधर से ढूंढ के दिखाता हूँ। असल में ये काफ़ी ज़्यादा गंद हो गया ना, इसमें सफाई वगैरह नहीं की, इसलिए वो इतनी खास नज़र नहीं आ रही। सारे कमेंट करके बताओ ये क्या चीज़ है, अगर आपको समझ आए तो। ये देखो ये कमेंट करके बताओ ये क्या चीज़ है जी। अल्लाह हाफिज़, अब इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, मैं आपका भाई आसिफ शामी भाई।